तो आपने सुना होगा कि FD करा लो, बैंक से FD करा लो, करा सकते हैं, जिसमें आपको क्या होता है, एक साथ पैसे जमा करना होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो आपका टाइम पीरियड 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, इट इज़ बहुत सारे अपने हिसाब से टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। ऐसे में आपको करना क्या होता है, जब आपका टाइम खत्म हो जाता है तो बैंक विथ इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस कर देती है। तो ऐसे में आपको एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ जो FD से कई गुना ज़्यादा बेटर है और कई गुना ज़्यादा रिटर्न देती है। तो ऐसे में बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की ओर और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ दोस्तों, इस प्लान का नाम है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, जिसका टेबल नंबर है 917। यह प्लान यानी यह योजना एक ही समय पर सेविंग के साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस योजना में पूरे प्रीमियम का भुगतान एक ही समय पर अर्थात पॉलिसी शुरू होने के वक्त ही करना होता है। इस योजना के तहत आपको बोनस की सुविधा भी दी जाती है और रिटर्न पॉलिसी धारक को पॉलिसी अवधि के अंत में दिया जाता है या फिर नॉमिनी को पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर दिया जाता है। इसमें जो कुछ विशेषता है कुछ इस प्रकार है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना यानी मैच्योरिटी परिपक्वता जो होता है लाभ बीमित रकम प्लस जमा हुआ बोनस, पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मृत्यु लाभ बराबर बीमित रकम प्लस बोनस तथा योजना के तहत तरह उच्च बीमित रकम उपलब्ध है। ठीक है, अगर बेनिफिट्स यानी लाभ की बात करूं तो अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान होती है तो नामनी को जोखिम प्रारंभ होने के पहले सिर्फ भरा हुआ सिंगल प्रीमियम और कोई अतिरिक्त प्रीमियम है तो उसका भुगतान किया जाएगा। और यहां एज लिमिटेड की बात करूं तो मिनिमम एज होती है 19 डेज यानी 90 दिन और मैक्सिमम एज की बात करूं तो यहां 65 साल होता है। अगर 90 दिन का कोई बच्चे से लेकर 65 साल का कोई भी इंसान इसे ले सकता है। ठीक है, यहां टर्म की बात करूं तो मिनिमम टर्म जो होता है 10 साल यानी और मैक्सिमम टर्म की बात करूं तो 25 यानी 25 साल। आप 10 साल से लेकर 25 साल तक आप टर्म कोई चूज कर सकते, 25 साल तक बीमा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ अगर जो मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करूँ तो आप कम से कम 50,000, इसका मतलब ये नहीं कि 50,000 रुपये पे करने होंगे, इसका पे मतलब बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम होता है, कैलकुलेट करके आपको उतना ही प्रीमियम होगा। आप अगर उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तो यहाँ मैक्सिमम सम एश्योर्ड की नो लिमिट यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप 1 लाख से 10 लाख से आप कितना भी अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप करा सकते हैं, ये तो आपके इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं और इसमें पॉलिसी शुरू होने की 1 साल बाद यानी 1 आफ्टर तो इसमें आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप पॉलिसी मान लो आज से शुरू किया तो आप 1 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं पॉलिसी पर। और अब बात आती है सरेंडर की, तो आप पॉलिसी सरेंडर कराना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने पॉलिसी को बंद करा सकते हैं, एनी टाइम अपने पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही LIC प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जब एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी।